अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फरहानास किचन। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है अपम पैनकेक। इसे बनाना बहुत इजी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम एक क्लीन बॉल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ कर्ड यानी दही। और अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ पीसी हुई चीनी यानी पाउडर्ड शुगर। और अब हम उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। हम ऑयल के जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से। कट एंड फोल्ड मेथड में इसे हम मिक्स करेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर हो वो एकदम से स्मूथ आए, एकदम से सॉफ्ट टेक्सचर, स्मूथ टेक्सचर हो इसका, ताकि जिसे हम पैनकेक बनाएंगे वो एकदम से सॉफ्ट बने। तो अब हम मैदा लेंगे 1/4 कप। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। और अब हम इसे अच्छे से हमारे बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड में, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम पैनकेक हो या फिर केक बनाएं, हम हमेशा हमारे बैटर को कट एंड फोल्ड मेथड में ही इसे मिक्स करना चाहिए, ताकि जो हमारे केक हो या फिर पैनकेक हो वो एकदम से सॉफ्ट आए, स्पॉन्जी स्पॉन्जी आए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ वेनिला एसेंस। ये एकदम से ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ही आप इसका यूज़ करें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ वेनेगर। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब हम एक अपम पैन लेंगे और इसमें हम ऑयल को ग्रीस करेंगे अच्छे से ब्रश के साथ। तब हम इस पैन को स्टोव पे रखेंगे लो फ्लेम में और इसमें हम हमारा जो बैटर है वो ऐड कर लेंगे अच्छे से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ट्यूटी फ्रूटी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ही आप इसे ऐड कीजिएगा, वरना आप इसकी जगह चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अब हम इसे 20-15 मिनट्स तक बेक करेंगे अपम पैन में। अब हम इसे चेक करेंगे, 20 मिनट्स हो चुके हैं, एक नाइफ के साथ हम चेक करेंगे कि अच्छे से बेक हो चुके हैं या नहीं। तो अब ये हमारे पैनकेक तैयार हो चुके हैं। इसे बनाना बहुत इजी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। आप देख सकते हो कितने मज़ेदार लग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।